हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खुदावंद के फजल से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी सा और बहुत ही ज़बरदस्त सा स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो आप उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हाय व्यूवर्स, मैं वर्जीना सैमसन आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। जैसे कि आप देख रहे हैं स्ट्रॉबेरी कितनी ज़बरदस्त है, देखें बाज़ार में आई हुई है, बिल्कुल फ्रेश है। तो आप अभी ख़रीदें स्ट्रॉबेरी तो उसको चेक करके अच्छे तरीके से, ये देखें बिल्कुल फ्रेश और जो बिल्कुल रेड होती है वो सिलेक्ट करें, तो बहुत ही ज़बरदस्त जूस बनता है। के लिए हम चीज़ें देख लेते हैं कौन सी ली है हमने। तो ये मैंने ली है एक पाव स्ट्रॉबेरी है 250 ग्राम, और आधा लीटर मैंने दूध लिया है, और ये मैंने 3 चम्मच चीनी इस्तेमाल कर रही हूँ। स्ट्रॉबेरी थोड़ी सी खट्टी होती है इसलिए मैं चीनी इस्तेमाल कर रही हूँ। आपकी मर्जी है, आप करना चाहें तो करें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम स्ट्रॉबेरी को काट लेंगे। ये मैंने इसका ये जो वाइट पार्ट होता है ना, ये वाला, ये आपने निकाल देना है और इसको आपने इस तरह छोटे टुकड़ों में कर लेना है। इसी तरह हम सारी काट के फिर आपसे मिलते हैं। ये देखें मैंने सारी स्ट्रॉबेरी काट ली है। अब इसको हम एक जग में, ये ग्राइंडर जार है, इसमें इसको ट्रांसफर कर देंगे और इसमें अब हम डालेंगे दूध जो हमने आधा लीटर लिया है। ये 3 चम्मच में चीनी ऐड कर रही हूँ, कर लेंगे। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारा ये मिल्क शेक बन के रेडी हो गया है। अब हम इसको ग्लास में प्रेजेंटेशन करेंगे इसकी। तो इसके लिए हमने ये बहुत ही खूबसूरत से ग्लास ले लिए हैं, इसमें हम डालेंगे। ये हमने ग्लास में ट्रांसफ़र कर दिए है। ये थोड़ी सी ये स्ट्रॉबेरी को मैंने इस तरह थोड़ा काट लिया है, ये हम इसके ऊपर डाल देंगे, देखें इस तरह, और ये इस तरह, और साथ में हमने ये स्ट्रॉबेरी रखी है, इसको हम इसके ऊपर लगा देंगे। और एक इसी तरह हम इस साइड पे लगा देंगे। तो ये हमारा ज़बरदस्त स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बन के तैयार हो गया है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।